माली साहब के बकौल जब उन्होंने अखबार में ये बात पढ़ी तो उन्होंने अपनी जितनी बेइज्जती उस दिन महसूस की वो इससे पहले कभी नहीं की थी। जमाली साहब मुझे बताने लगे कि सियासत तीन किस्म की होती है, पावर पॉलिटिक्स, सरप्राइज पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स एक्वायर्ड। सियासतदानों के जहन में हर वक्त कई प्लान चलते रहते हैं, अगर एक प्लान फेल हो जाए तो प्लान बी सामने आता है, फिर प्लान सी, अगर सारे प्लान फेल हो जाए तो फिर बेहतर है कि सियासतदान घर बैठ जाए। ताहम जमाली साहब ने कहा कि अभी उनका घर जाने का वक्त नहीं आया था क्योंकि उनके पास बहुत सारे सरप्राइज प्लान मौजूद थे, जब वक्त आएगा तो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इन सरप्राइजिंग प्लान्स के साथ मैं दोबारा सामने आऊँगा। अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए जमाली साहब ने कहा कि अगरचे मैंने सारी उम्र शतरंज का खेल नहीं खेला लेकिन मुझे इस चीज़ का ज़रूर अंदाज़ा है कि शातिर कैसे बना जाता है। जमाली साहब के जवाब से ये वाजे था कि उनके दिल के ज़ख्म ताज़ा थे और वो शदीद गुस्से की हालत में थे, लिहाजा वो बदला लेने और सरप्राइज प्लान की बातें कर रहे थे, वगरना इस इंटरव्यू को आज 6 साल गुजरने वाले हैं, अभी तक जमाली साहब अपने दावे के मुताबिक ना तो किसी से बदला ले सके हैं जिन्होंने उनके बकौल उन्हें बेइज्जत किया था, ना ही ऐसा कोई सरप्राइजिंग प्लान ला सके हैं जिससे इस मुल्क की सियासत बदल जाती। शायद इस तरह की बातें करके वो महज अपने आप को तसल्लियाँ दे रहे थे। मुझे अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर जमाली साहब को किन वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया था। जमाली साहब ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें वजारत उज़्मा से बर्खास्त करने के फैसले को पहले नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस किया गया था। जमाली के बकौल वो इस मीटिंग में ज़्यादातर खामोश रहे क्योंकि जनरल मुशर्रफ MMA के लीडरों पर बड़े सख्त नाराज़ थे। जमाली साहब ने दावा किया कि MMA के साथ खुफिया मुज़ाकरात में अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान ने यह पक्का वादा किया था कि वो हर कीमत पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अटेंड करेंगे, ताहम आखिरी लम्हे पर वो अपने इस वादे से मुकर गए और इस बात पर जनरल मुशर्रफ बहुत मुश्तइल थे। जब मीटिंग शुरू हुई और जनरल मुशर्रफ ने देखा कि MMA के वज़ीर आला अकरम दुरानी और अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान मीटिंग में नहीं आए थे तो उन्होंने मीटिंग के शुरका को एक बड़ा लंबा और तलखी से भरपूर अपना खुतबा सुनाया जिससे लगता था कि उन्हें मौलाना फजलुर रहमान की वादा खिलाफी पर शदीद तकलीफ हुई थी। दरअसल उन दिनों जनरल मुशर्रफ ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से MMA के वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में शरीक हों ताकि इससे ये बात साबित की जाए कि मुल्क के एक सूबे के वज़ीर आला और कौमी असम्बली के अपोजिशन रहनुमा को उनके वर्दी के साथ सदर रहने पर और सबसे बढ़कर उनकी बनाई गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की सदारत करने पर कोई एतराज़ नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान खुफिया मुलाकातों में तो जनरल मुशर्रफ के पैगामबरों से ये वादा करके आते थे कि वो इस मीटिंग में शरीक होंगे, लेकिन बाहर आकर वो मीडिया और अपोजिशन की दूसरी सियासी जमातों के खौफ से इस मीटिंग में शरीक नहीं होते थे। मैंने जमाली साहब से पूछ लिया कि कहीं उन्हें निकालने की वजह यह तो नहीं थी कि उनका रवैया अपनी पार्टी के MNA साहिबान से दुरुस्त नहीं था, तो वो बोले कि पहले दिन से ये फैसला हुआ था कि पार्टी के मामला चौधरी शुजात हुसैन देखेंगे और उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं ये पूछे बगैर ना रह सका, जमाली साहब आपके बारे में एक अमूमी राय यह थी कि आप इंतहाई कमज़ोर और बेबस वज़ीर आज़म थे और आपकी कहीं कोई बात नहीं सुनी जाती थी। जमाली साहब ने अपना सरनफी में हिलाया और बोले कि कोई भी वज़ीर आज़म बेबस नहीं होता, उन्होंने भी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की तरह वो मुश्किल 2 साल वजारत उज़्मा संभाली, इनके बारे में मौरख जो कुछ भी लिखेगा वो इसे कबूल करेंगे। मैंने कहा कि जमाली साहब अगर आप कमज़ोर वज़ीर आज़म नहीं थे तो फिर आप कबीर वास्ती से मिलने क्यों चल पड़े, जिन्होंने उनके खिलाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को एक ख़त लिखा था जिसमें यह मुतालबा किया गया था कि वो इन्हें बर्खास्त कर दें। जमाली साहब ने पहली दफ़ा मुझे बड़े गौर से देखा और बोले कि कबीर वास्ती की ये जुरत नहीं थी कि वो एक वज़ीर आज़म के खिलाफ ख़त लिख सकता। दरअसल ये ख़त उनकी अपनी पार्टी के 4 बड़े मोज़ज़ीन ने इकट्ठे बैठकर उसे लिख कर दिया था। इन 4 में से एक हजरत चेयरमैन सेनेट बनना चाह रहे थे। जमाली साहब ने कहा कि जब यह ख़त सामने आया तो उन्होंने पार्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन से कहा कि वो अपने इस बच्चे जमूरे को लगाम दें या फिर वो अपने अंदाज में इससे खुद निबट लेंगे। चौधरी शुजात ने जमाली से कहा कि इस मामले पर इतने ज़्यादा गुस्से में ना हो, वो वास्ती से बात करके उसे समझाएँगे कि वो मुस्तकबिल में ऐसी हरकत ना करें। ताहम इस एक सांस में शुजात हुसैन ने जमाली से यह भी कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म होने के नाते वो जाकर वास्ती से मिल लें, इसमें कोई हर्ज नहीं था, उनको चाहिए कि वो पार्टी के वर्कर्स और लीडरों की शिकायत का अजाला करें। जमाली साहब ने चौधरी शुजात के कहने पर कबीर वास्ती को फ़ोन किया। कबीर वास्ती उनका टेलीफोन सुनकर बड़े खुश हुए। जमाली साहब ने उनसे वादा किया कि वो उनके घर पर आएंगे।
जो ही टेलीफोन कॉल ख़त्म हुई, कबीर वास्ती ने फौरी तौर पर मीडिया को एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने जमाली को मना किया था कि वो उनके घर तशरीफ़ ना लाएं। जमाली साहब के बकौल, जब उन्होंने अखबार में यह बात पढ़ी तो उन्होंने अपनी जितनी बेइज्जती उस दिन महसूस की वो इससे पहले कभी नहीं की थी, कि कबीर वास्ती ने वज़ीर आज़म को यह कहा था कि वो उसके घर तशरीफ़ ना लाएं। ये जमाली साहब की ज़िंदगी का बहुत तकलीफ दह वाक़या था, लेकिन उन्हें सब्र का घूंट पीना पड़ गया, क्योंकि पार्टी के सदर चौधरी शुजात हुसैन की यही मर्ज़ी थी। चौधरी शुजात को खुश करने के लिए जमाली साहब ने अपनी बेइज्जती भूलते हुए वास्ती के घर जाने का फ़ैसला किया। जमाली साहब मुझे ये नहीं बता रहे थे कि ये फ़ैसला उन्होंने चौधरी शुजात को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स को मुतमईन करने के लिए किया था जो उन्हें किसी लम्हे वजारत उज़्मा की कुर्सी से नीचे उतार सकता था। लिहाजा जमाली साहब के लिए इज़्ज़त से ज़्यादा कुर्सी अहम थी, और उन्होंने कबीर वास्ती के मना करने के बावजूद महज इस कुर्सी से चिमटे रहने के लिए उनके घर जाने का फ़ैसला किया। मैंने बात बदली और जमाली साहब से पूछा कि उनके बारे में यह बात आम थी कि अपने आखिरी दिनों में ईवान सदर के ताकतवर मकीनों को खुश करने के लिए अपने उन दोस्तों से छुटकारा पा रहे थे जिनसे वो नाखुश थे। जमाली साहब के बकौल बहुत सारे लोग उन्हें तनहा करना चाहते थे ताकि उन पर आसानी से वार किया जा सके। वो दरअसल अपने दोस्तों को इसलिए अपने आप से दूर कर रहे थे ताकि अगर मुस्तकबिल में उन्हें हटाने के बाद कोई मसला पैदा हो तो कम अज़ कम उनके ये दोस्त मुतमिन रहें। मैंने बड़ी अजीब सी बात महसूस की कि इतनी सारी बेइज्जती, झाड़ झपट और पुतली तमाशा बनने के बावजूद भी जमाली साहब इस बात पर बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे कि उनके इस्तीफ़ा देने के बाद सदर मुशरफ ने उन्हें फैमिली के साथ ईवान सदर में खाना दिया था। जमाली साहब ने अपनी आवाज़ में छुपे फख्र की ये तौजीह पेश की कि वो पाकिस्तानी तारीख के शायद पहले वज़ीर आज़म थे जिन्हें बड़ी इज्जत देकर वज़ीर आज़म हाउस से रुख्सत किया गया था, वरना माजी में तो भुट्टो से लेकर जोनीजो, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को इंतहाई जलील करके यहाँ से रुख्सत किया गया और जेलों में डाला गया। ईवान सदर में लगी खाने की बड़ी मेज़ पर बैठे हुए जमाली ने जनरल मुशरफ को बताया कि वो जनरल अयूब और ज़िया के अदवार में जेलों में भी रहे थे। जनरल मुशरफ को हैरान देखकर जमाली ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में हासिल किए गए चंद तजुर्बों की कहानी सुनाना शुरू की। शायद वो उन्हें अभी भी, जबकि वो वज़ीर आज़म हाउस से निकाले जा चुके थे, मुतासर करने के चक्कर में थे। जमाली ने मुशरफ को बताया कि एक सियासतदान की ज़िंदगी में तीन किस्म के दोस्त होते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल और सियासत के तीनों के दोस्त। जमाली के बकौल कि एक सियासतदान अपनी सियासी ज़िंदगी में बनाए गए दोस्तों पर कभी भी एतमाद नहीं कर सकता। जमाली के बकौल कि एक सियासतदान अपनी सियासी ज़िंदगी में बनाए गए दोस्तों पर कभी भी एतमाद नहीं कर सकता, आप जेल और कॉलेज लाइफ के दोस्तों पर भरोसा कर सकते हैं। जनरल मुशरफ चुपचाप अपने ही हाथों से छुट्टी कराए गए एक ऐसे वज़ीर आज़म की बातें सुन रहे थे जो शायद उन्हें यह पैगाम देने की कोशिश कर रहा था कि जनरल साहब, अगर आज मेरे सियासी दोस्तों ने मुझे ये धोखा दिया है जिसकी वजह से मुझे इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ गया, तो आप भी ज़्यादा खुश ना हो, किसी दिन आपके यही सियासी दोस्त आपको भी धोखा देंगे। जमाली की ये बात चार साल बाद उस वक्त सच्ची साबित हुई जब चौधरी शुजात ने जनरल मुशरफ के कहने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत हामिद नासिर चट्ठा के हवाले करने से इनकार कर दिया, क्योंकि चौधरी शुजात को अंदाज़ा हो गया था कि अब जनरल मुशरफ को उनकी ज़रूरत थी, ना कि उन्हें जनरल मुशरफ की। अब मुझे ये पता नहीं कि 2007 के आखिरी जनरल मुशरफ के मुंह पर पार्टी की क़यादत छोड़ने से इनकार किया था, तो क्या जनरल मुशरफ को जमाली की चार साल पहले वाली ये बात याद आई थी या नहीं कि सियासत में बनाए गए दोस्त कभी भी काबिल एतमाद नहीं होते। बातों बातों में जमाली साहब ने मुझे ये भी बताया कि जब वो पहली दफ़ा अमरीका जाने लगे और उन्होंने जिन सहाफ़ियों की लिस्ट तैयार की, इनमें से चार सहाफ़ियों के नाम ईवान सदर ने काट दिए। इन चार सहाफ़ियों के नाम काटने की वजह यह बयान की गई कि वो जनरल मुशरफ के ख़िलाफ़ लिख रहे थे। जब मैं ये इंटरव्यू जमाली साहब से बलूचिस्तान हाउस में कर रहा था, इससे कुछ रोज़ पहले ही शौकत अजीज़ पर अटक में खुदकुशी हमला हुआ था, जब वो MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए एक इंतखाबी जलसे से खिताब करने जा रहे थे। उन्हें MNA इसलिए बनाया जा रहा था ताकि वो जमाली की जगह इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन सकें, और इस दौरान 40 दिनों के लिए चौधरी शुजात हुसैन को वज़ीर आज़म बनाया गया था, जिनके बारे में इस्लामाबाद में यह मजाक मशहूर था कि वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं जो अपनी मुकर्रा मुद्दत 40 दिन पूरी करके बाइज़्ज़त तरीके से घर चले जाएँगे। मैंने कहा, अगर यही मेयार या जवाज़ शौकत अज़ीज़ पर हमले का है, तो फिर जमाली साहब आप पर और शुजात हुसैन पर भी इसी तरह का हमला होना चाहिए था। मेरा ज़रा चुपता हुआ सवाल सुनकर जमाली साहब चौंके और उन्होंने इसके जवाब में मुझे शौकत अज़ीज़ पर हमले की 6 वजूहात बताई। पहली बात तो ये थी कि शौकत अज़ीज़ का अपने आप को अटक से MNA मुंतखब कराकर वज़ीर आज़म बनने का फ़ैसला गलत था। अगर शौकत अज़ीज़ को सीट ही चाहिए थी तो जमाली साहब के बकौल वो अपनी सीट उनके लिए खाली कर देते। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि शौकत अज़ीज़ पर कातलाना हमले का सियासी फ़ायदा किसको होना था। उनके बकौल ये बहुत अहम सवाल था,
जिस पर गौर करने की ज़रूरत थी। तीसरे, उन्होंने कहा कि बिलअमूम यह तावसर पाया जाता है कि शौकत अजीज़ आलमी इदारों और चंद ताकतवर मुल्कों का नुमाइंदा है, लिहाजा इसलिए भी इस पर हमला किया गया। चौथी वजह थी कि शौकत अजीज़, जिसका अपना कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, वो इन तमाम बरसों में जनरल मुशर्रफ के बहुत करीब रहा था। पांचवी वजह यह थी कि बहुत सारे पार्टी के MNA शौकत अजीज़ के वज़ीर आज़म बनने पर हरगिज़ खुश नहीं थे। अगरचे वो इस फैसले पर खामोश रहे, लेकिन उन्हें यह फैसला पसंद नहीं था। आखिरी बात थी कि शौकत अजीज़ को वज़ीर आज़म नामज़द करके उन्हें फिर इलेक्शन लड़ाना एक बहुत बड़ा ख़तरा था, क्योंकि उनको अचानक बहुत सारे ख़तरात के सामने ला खड़ा किया गया और उन पर कातराना हमला इस सिलसिले की एक कड़ी थी। इनके बकौल, जब पार्टी किसी को प्राइम मिनिस्टर के ओहदे के लिए नामज़द करती है तो उस वक्त सियासी फ़िज़ा बिल्कुल मुख्तलिफ होती है और पूरी की पूरी पार्टी उस वज़ीर आज़म के पीछे पूरी कुव्वत से खड़ी हो जाती है। शौकत अजीज़ को पार्टी ने वज़ीर आज़म नामज़द नहीं किया था, लिहाजा उनके पास पार्टी की कोई हमायत नहीं थी। आखिर में जमाली साहब ने कहा कि महज चंद नौजवान MNAs के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की टॉप लीडरशिप वोट मांगने अटक नहीं गई थी। इंतखाबी रैलियों में उन्होंने पार्टी के किसी अहम रहनुमा को वहाँ नहीं देखा। जमाली के बकौल यह भी मुमकिन था कि चंद ताकतवर फोर्सेज मौजूदा जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ थी, लिहाजा उन्होंने शौकत अजीज़ पर हमला कराकर जनरल मुशर्रफ को यह पैगाम भेजने की कोशिश की हो। मैंने एक बात नोट की कि जमाली साहब चौधरी शुजात पर तो बहुत नाराज़ थे, लेकिन शौकत अजीज़ की तारीफ़ें करते और बलाएँ लेते नहीं थक रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि शौकत अजीज़ बहुत काबिल आदमी हैं और आने वाले दिनों में इस मुल्क को बहुत अच्छी तरह से चलाएँगे। ताहम उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि शौकत अजीज़ को सियासी तौर पर बहुत जल्द पुख्तगी का मुजाहरा करना होगा, ताकि वो उन कुव्वतों से निपट सकें जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ साजिशें करके इन्हें वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया था। जमाली साहब के बकौल शौकत अजीज़ बाकी तमाम महाज़ों पर कामयाब रहेंगे, लेकिन सियासी महाज उन्हें शदीद मुश्किलात का शिकार कर सकता है। जमाली साहब ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका वाज़ इशारा चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही और हुमायूं अख्तर की तरफ था, जिन्होंने जमाली को सियासी तौर पर इतना तन्हा और कमज़ोर कर दिया था कि जब उन पर वार किया गया तो जमाली साहब को लम्हों में इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़ा। ताहम बाद के वाक़ात ने यह साबित किया कि शौकत अजीज़, जिन्हें सियासत का कोई तजर्बा नहीं था, वो जमाली साहब जैसे 50 वर्ष से ज़्यादा सियासत करने के दावेदार ख़ानदानी मुस्लिम लीगी से बेहतर सियासतदान साबित हुए। और उन्होंने 15 नवंबर 2007 तक, जब उन्होंने वजारत उज़्मा छोड़ी, तो चौधरी शुजात, हुमायूं अख्तर, परवेज़ इलाही और दीगर को अपने ख़िलाफ़ एक भी साजिश नहीं करने दी और बड़े मज़े से अपना वक्त पूरा किया। शौकत अजीज़ ने यह साबित किया कि वो जमाली साहब से हज़ार गुना बेहतर सियासतदान थे और उन्हें पता था कि पंजाब के इन तीन लीडरों, शुजात, परवेज़ इलाही और हुमायूं अख्तर, से कैसे निपटना था। उन दिनों जमाली साहब के बेटे फरीद जमाली के ख़िलाफ़ करप्शन की बहुत कहानियाँ छप रही थीं। जब मैंने ये बात पूछी, उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि लोग कितने ज़ालिम हैं कि उन्होंने उनके उस बीमार बेटे को भी नहीं बख्शा जो कितने सालों से एमरजेंसी अद्वियात पर जिंदा है। जमाली साहब को पता नहीं क्या याद आया कि वो बोले, जनरल ज़ियाउल हक अक्सर अपनी काबीना के वज़ीरों के साथ भुट्टो की फांसी पर बातचीत करते थे। एक दफ़ा 1988 की एक काबीना मीटिंग के दौरान उन्होंने जनरल ज़िया से भुट्टो की फांसी का मामला डिस्कस करना शुरू किया। जमाली जनरल ज़िया से ये पूछना चाह रहे थे कि आखिर उन्होंने वो रात कैसे गुजारी थी जिस रात उनके हुक्म पर भुट्टो को सुबह के वक्त फांसी दी जानी थी। जनरल ज़िया ने जमाली की तरफ देखकर अपने तमाम वज़रा की मौजूदगी में ये कहा था कि भुट्टो को फांसी देने का फ़ैसला हरगिज़ आसान नहीं था। वो रात को नमाज़ पढ़कर खुदा से मदद की दरख्वास्त करते रहे थे। मैंने अचानक जमाली साहब से पूछ लिया कि उनकी अपनी ज़ाती राय में जनरल ज़िया का भुट्टो को फांसी देने का फ़ैसला दुरुस्त था या गलत। जमाली साहब ने बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया और बोले कि जो लोग उस वक्त मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे थे, ये उनका फ़ैसला था और ये ज़िम्मेदारी भी उन्हीं पर आती थी। ताहम जमाली साहब ने जनरल ज़िया की ज़ाती खसूसियात की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि उनमें बड़ी इनकसारी थी और वह बग़ैर गुस्से में आए हर तरह की बात सुन लेते थे। जमाली साहब को पता नहीं क्या ख्याल आया और वह मुझे बताने लगे कि एक लम्हा तो वो भी आया था कि जनरल ज़िया ने उन्हें वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया था और इनके साथ वादा भी कर लिया गया था, लेकिन बाद में जनरल ज़िया का इस बारे में जहन तब्दील हो गया और उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि जनरल ज़िया ने अपना फ़ैसला किसके कहने पर तब्दील किया था। अपना फ़ैसला तब्दील करने के बाद जनरल ज़िया जमाली साहब से मिले और उन्हें बताया कि अगरचे उन्होंने उन्हें वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला किया था, ताहम अब वो मोहम्मद ख्वाजा नीजो को वज़ीर आज़म बना रहे हैं।